Isn't this what we need? A trusted partner who can find a safe solution, even in the most difficult of times. Safety always comes first. दिल्ली ने अपनी बैटिंग बड़े धमाके से शुरू की। उन्होंने हैदराबाद को सरप्राइज भी किया, स्टॉयनेस ओपन करने आए, और जो पहली पार्टनरशिप हुई शिखर की और स्टॉयनेस की, वो आई थिंक आई वुड से कि वो मोर ऑर लेस मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, क्योंकि फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग ले कर दिया कि वहां से हैदराबाद बोलर्स पे जो प्रेशर था वो हटा नहीं पूरी इनिंग। अब बीच में एक फेज थी जहां पे राशिद बॉलिंग करने आए थे, वहां पे आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल्सो दिल्ली बैटर्स कि उन्होंने दिमाग यूज करके बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की, सिंगल्स और टूज में स्ट्राइक रोटेट करते रहे और दे एंडेड अप स्कोरिंग 26 रन्स ऑफ 4 ओवर्स फ्रॉम राशिद। राशिद के नॉर्मली इतने रन जाते नहीं है, मगर 26 रन्स फ्रॉम राशिद इज अ टेरिफिक रन रेट में कहूंगा उसकी बॉलिंग पे जो मेंटेन किया दिल्ली ने। जिस तरह से स्टॉयनेस और शिखर ने शुरुआत की, वो सीधा आते ही हैदराबाद बोलर्स पे प्रेशर डालना उन्होंने शुरू किया, तो वहां से रिकवरी हुई नहीं उनकी। जिस तरह से स्टॉयनेस ने अपना रिस्ट वर्क दिखाया कि जो वो 5-6 नंबर पे आके तो बड़े शॉट्स खेलते ही है, मगर यहाँ पे जब नया बॉल था, बॉल थोड़ा सा बाउंस था विकेट में और स्किड कर रहा था, तो उसमें उसने अपना रिस्ट वर्क बहुत अच्छी तरह से दिखाया। मुझे लगा कि ही वॉज फैबुलस है। शिखर यूज द स्विंग एंड पेस रादर वेल। कट शॉट जो खेले संदीप शर्मा को भी बहुत अच्छे शॉट्स थे। उनकी पार्टनरशिप वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को ओपनिंग स्टैंड काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था, और उसके बाद जब एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलता है तो उसके ऊपर बाकी के प्लेयर्स भी कैपिटलाइज करते हैं। थॉट श्रेयस केम, दो ही वॉज बैटिंग एट लिटरली ऑफ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100, उसने वो एक पार्टनरशिप की जो जरूरत थी बड़ी पार्टनरशिप होने के बाद, वो काम उन्होंने कर दिया दिल्ली के लिए, क्योंकि उस समय राशिद भी बॉलिंग कर रहे थे तो they batted rather smartly, I felt. Hetmyer की innings बहुत crucial थी, उसने आके momentum change कर दिया और hardly कुछ गेंदों में उसने 35 या कुछ ऐसे रन बनाए। Those runs were really important for Delhi. शिखर एक तरफ से खेल ही रहे थे अच्छा। जब शिखर out हुए, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था उस शॉट के साथ, क्योंकि शिखर इज केपेबल ऑफ क्लियरिंग सामने भी या मिड विकेट या कवर पॉइंट की तरफ भी। अब वो शॉट शायद उस समय कोशिश करते बैट्समैन, मगर मुझे लगा कि उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद के जो दो ओवर थे वो हैदराबाद ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया। संदीप ने और नटराजन ने लास्ट दो ओवर में सिर्फ 13 या 14 ही रन दिए, तो वो कमाल का कमबैक था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हैदराबाद के होप्स अलाइव रखे, जिंदा रखे। क्योंकि जब आप खत्म करके फर्स्ट इनिंग जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हो तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि हैदराबाद का फ्रेम ऑफ माइंड उस समय कि वी कैन गेट इट वैसे था, क्योंकि टोटल जब 200 के आगे निकल जाते हैं तो बैट्समैन स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। मेरे लिए तो फर्स्ट हाफ में गेम चेंजर विदाउट एनी डाउट वाज ओपनिंग स्टैंड और खास करके जिस तरह से शिखर ने बैटिंग की। दिल्ली की शुरुआत बॉलिंग में भी बहुत सही रही। जब वॉर्नर को आउट किया रबाडा ने तो बॉल अच्छा शेप हुआ, और जो वॉर्नर शायद उतना बॉल स्विंग होगा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो थोड़े कट की तैयारी में थे, और जब बॉल आगे आया तो अगर उनका फुटवर्क देखो तो थोड़ा सा जैसे चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी विकेट थी और कहीं ना कहीं तो गेम चेंजिंग मोमेंट थी, क्योंकि वॉर्नर की विकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनीष पांडे और गर्ग के बीच में और थोड़ी लंबी पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, क्योंकि जस्ट अबाउट लगने लगा था कि ना दोनों के शॉट्स लग रहे हैं और स्लोली स्लोली गेम
वो पास में लेके जाएंगे। तभी स्टॉइनिस ने आके दो क्रूशल विकेट निकाले, दोनों को, मनीष को और गर्ग को, दोनों को उन्होंने आउट कर लिया। हल्का सा क्रॉस सीम बॉल रखा था और ऑफ कटर डाला जो ऑफ द पिच खास करके गर्ग को काफी अंदर आया, तो इट वॉज अ गुड बॉल। यस ही मिस द लाइन, लेकिन इट वॉज अ गुड बॉल इंडीड। मनीष भी आउट हुए। उसके बाद होल्डर ने आके थोड़ी इनिंग स्टेडी की थी विलियमसन के साथ। विलियमसन मैं कहूँगा ऐसे चीजेस में ही इज अ बैकबोन। जब मुझे लगा कि जब तक वो है क्रीज में तब तक मैच वॉज वेरी मच अलाइव, और जब समद आए तो दैट वॉज वन पार्टनरशिप विच लुक्ड एक्सट्रीमली थ्रेटनिंग। दिल्ली को ऐसे लगा हुआ कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि समद ने भी आके कमाल के शॉट्स खेले। And I was really impressed with his striking. He looked very good. मगर वहाँ पे वापस स्टॉइनिस ने आके विलियमसन को आउट किया। वो थोड़ा बाहर का बॉल था और फील्डर के हाथ में गया डीप पॉइंट में। उसके बाद रबाडा ने आके एक ओवर में 3 विकेट निकाले। मगर जब विलियमसन आउट हुए तो प्रेशर काफी बढ़ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी समद के ऊपर थी। मगर जब रबाडा ने आके 3 विकेट निकाले तो गेम मॉरलेस वहीं खत्म हुआ था। तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए सेकंड इनिंग्स में गेम चेंजर वाज विदाउट एनी डाउट मार्कस स्टॉइनिस। रबाडा ने विकेट्स निकाले, विलियमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसके साथ सावंत ने भी की, मगर स्टॉइनिस वाज द गेम चेंजर। ये है मेरे गेम चेंजिंग मोमेंट्स, आपके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए।